तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वर्षी ने हमें चेक दिया था क्योंकि हमने इसको जमा नहीं कर दिया था, हम इसे मानेंगे कैश। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्षी से हमें कितना पैसा आया, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम वर्षी 450 का, तो मैं यहाँ पे कैश पे लिखूंगा टू वर्षी अकाउंट 450। और हमने इसको डिस्काउंट दे दिया कितना, हमने डिस्काउंट दे दिया इसको 35, तो मैं डिस्काउंट अलाउड में लिखूंगा 35। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम 20 तारीख को ही रिसीव्स कैश ₹75 एंड चेक ₹100 फॉर कैश सेल। तो इसने कैश सेल कर दी जिसमें इसको ₹75 कैश आता है और चेक मिलता है इसको ₹100 का। बट अगर मैं उसी दिन उस चेक को जमा करता तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल करता और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करता। बट 25th वाली लाइन में पता चलता है ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग द चेक्स रिसीव्ड ऑन द 15th एंड 20th। जो 15th और 20th को मुझे चेक मिला था वो भी मैंने कब बैंक में डाल दिया, 25th को। तो 20th को जो भी मेरी सेल होगी मैं उसको कैश मानता हूँ, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करता हूँ 20th को कितना, 175। उसके बाद क्या हो गया, मैंने चेक दोनों चेक्स और बाकी कैश सारा जो है ₹1,000 का था इसको बैंक में जमा कर दिया। तो अभी तक मैंने उन चेक्स को भी 450 प्लस 100 जो थी 550 की चेक और 450 का नकद कैश जो था मैं बैंक में जमा करता हूँ, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25 को टू कैश अकाउंट 450, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1,000 से। 1,000 का मैंने टोटल जमा कर दिया जिसमें वो 4,500 को चेक्स भी है, और यहाँ पे मेरा कैश निकल जाएगा ₹1,000। इसको करूंगा बाई बैंक और ये आपका क्या लाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं, आपने क्या किया, ही पेज फॉर कैश परचेज 275। आपने कैश परचेज कर दी 275 की, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 275। तो यहां पे हो जाएगा बाय परचेज, आपने कैश दे दिया यस, तो आपका कैश निकल जाएगा 275 से। उसके बाद आपका क्या हुआ, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश एंड अमाउंट इज ₹50। तो ₹50 आपका कैश निकल जाएगा सन्ड्री एक्सपेंसिस, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय एक्सपेंसेस आपके टोटल कितने हो गए, 50। इस तरह से आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट्स का बैलेंस करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिस्काउंट तो आपका बैलेंस नहीं करते हो, इसको डायरेक्टली डिस्काउंट अकाउंट में लेते हो क्योंकि ये अकाउंट नहीं है यहाँ पे। तो डिस्काउंट टोटल देखो ₹35 का डिस्काउंट आपने दे दिया और आपको ₹20 का डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंट अलाउड वाले रिसीव्ड वाले में जाएगा और ये डिस्काउंट अलाउड में। कैश देखो तो पहले 20,000 था, फिर 600 था, 20,000 600 और फिर 450, तो दिट इज 21,050 और ये आएगा 25। 21,225। तो कैश आपका 21,225, उसमें से वो लेस करेंगे और बैंक में आपका 19,000, 19 में से 600, 19,600, 5,700 21,075। तो 21,075 में से आप 330 लेस करोगे तो आपको निकलेगा कैश का बैलेंस कितना है। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस निकलता है 20,745 बाय बैलेंस कैरी डाउन, 300 ही चला जाएगा इस पर। तो 20 ये आपका आएगा 745 जब आप इसको माइनस करोगे, और यहाँ पे आएगा ये कुनूसा शाहत अक्सास, ये आपका आएगा ₹300 का बैलेंस। और जहाँ पे डिस्काउंट की बात है वो आपका चला जाएगा, वो आपका
डिस्काउंट अलाउड हो, डिस्काउंट मिलता है। इस तरह से आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनाना सीख लिया। ठीक है, अब हम आपकी बुक पे आ जाते हैं। तो तीनों कॉलम हमने डिस्कस कर दिए, अब आपकी बुक पे आ जाता हूँ मैं एक बार, देखते हैं क्या बच गया आपका। तो फिर कैश बुक की एंट्रीज तो हो गई, और पेटी कैश बुक मैंने आपको बोल दिया था। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपकी, प्रिपेयर है पेटी कैश बुक, प्रिपेयर है पेटी कैश बुक ऑफ द इंप्रेस सिस्टम, रिसीव्ड कैश ₹100। आपने पेटी कैश के लिए ₹100 दिया, उसमें आपने बस फेयर किया ₹50, कार्टेज का किया ₹2, पोस्टेज का किया ₹5, इस सब का कर दिया। तो आपको इसमें लिए कैश बुक बनाना है, पेटी कैश बुक बहुत आसान है। तो आप क्या करते हो, ये देखो अलग अलग हेड्स बना लेते हो पेटी कैश बुक अकाउंट में। आप डेबिट करते हो, आपको जितना पैसा मिल गया ₹100 रिसीट आ गई, और यहाँ से आपने क्या किया पेमेंट्स कर दिए, और फिर आप अपने अपने हेड्स बनाते हो। यहाँ पे आप पर्टिकुलर देखो, जब कैश का हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो वो आपका आ गया पेटी कैश में, कितना आया ₹100 आ गया रिसीट। और यहाँ से आप दिखाते हो कि खर्चा कैसे होगा, यहाँ पे टोटल डाल देते हो ₹60 खर्चा होगा, इस ₹60 का बाई का कन्वेंस का आपका इतना खर्चा हुआ, कार्टेज का इतना हुआ, स्टेशनरी का इतना हुआ है, पोस्टेज का इतना हुआ, वेज का इतना, टोटल हुआ है 650 600। और फिर आप बैलेंस शीट दिखा दो। अब इसका अगर आप लेजर अकाउंट भी बनाओगे दूसरे तरीके से, जो आपको यहाँ पे आकर एक स्टेटमेंट की तरह से रखते हो, बट इधर एक अकाउंटिंग एंट्री भी हो रही है टू में और बाय की तरफ से, बट इसका अगर आप लेजर अकाउंट भी बनाओगे पोस्टिंग, तो वो इस तरह से बनेगा। अगर मैं आपका लेजर अकाउंट बनाऊंगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹100, उसके बाद अपने बाइक सैलरी एक्सपेंस ला गया, कन्वेंस इतना ये, और यहाँ पे फिर कन्वेंस अकाउंट जो है अगर आप बनाओगे वो डेबिट हो जाएगा टू पेटी कैश 6.5, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो यहाँ पे आप पेटी कैश करो, और बाद में जब आपका बैलेंस बचेगा तो अगेन क्या होता है कि आपको जो मतलब मेन अकाउंटेंट है वो आपको ₹60 और देगा, क्योंकि आपका खर्चा ₹40 होगा, ताकि आपका बैलेंस फिर 40 60 रुपीज आ जाए। तो उतना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो, तब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, देखो बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। अगर आप मतलब अभी आप देखोगे कि ऑनलाइन जब आप पेमेंट करने जाते हो, तो वहां पे बोलते हैं कार्ड्स भी है। मैंने आपको बोला था आपसे पेटीएम होता, तो पेटीएम में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट। बट ये चीज है कि अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, डिफरेंट मर्चेंट बैंक्स वो इन्वॉल्व होते हैं जो आपको पॉइंट ऑफ सेल्स देता है। जैसे आपका आप सेलर हो, तो आपको HDFC ने एक पॉइंट ऑफ सेल्स दे दिया, और उन्होंने आपको फैसिलिटी रखी, कार्ड की फैसिलिटी रखी, और एक कस्टमर को भी एक कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। तो क्या होता है, कस्टमर क्रेडिट कार्ड उधर लेता है और वहां से जाके वो पेमेंट कर लेता है। तो हमें तो अपेरेंटली लग जाता है कि वो पेमेंट होते हैं, बट उसके बैक एंड में बहुत सारी मतलब ट्रांजेक्शन होती है जो बैंक के बीच में होती है, क्योंकि जो सेलर है उसके पास सपोज HDFC का पॉइंट ऑफ सेल्स है, और जो कस्टमर है उसके पास वो क्रेडिट कार्ड है वो SBI का है, तो वो HDFC रिसीव करता है और वो SBI का है, तो वो ट्रांजेक्शन होती है। बट फ्रॉम अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें उस डेप्थ में नहीं जाना, जब तुम IT पढ़ोगे तो वहां तो तुम उसका सारा मैकेनिज्म समझोगे आगे सीयर इंटरमीडिएट में। बट अभी आपके लिए फोकस ये चीज है कि जो सेलर होता है, जब उसने वो पॉइंट ऑफ सेल्स रखा होता है, उसको बैंक को कमीशन देनी पड़ती है। एक है कि सेलर जब सेलर कस्टमर को जब बेचता है, जब मेरे पास रेडीमेड गार्मेंट के लिए कोई बंदा आएगा जींस के लिए, और मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल्स है, तो मैं उसको बोलूंगा तेरी मेरी सेल ₹1,000 है, तो वहां पे मुझे क्या आएगा बाजार, मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹1,000। बट वहां पे अगर देखा जाएगा जो मेरा बैंक अकाउंट फाइनली क्रेडिट हो जाएगा, वो हो सकता है हजार ना जाके ₹990 हो, ₹10 या कुछ भी होता है, बहुत नॉमिनल होता है, वो बैंक अपने चार्जेस काटता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सेल तो पूरी मानूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और लास्ट में देखूंगा बैंक ने अपना कमीशन काटा होगा और बाकी पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा HDFC ने, तो मैं फिर बाद में एंट्री करूंगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि अभी क्या होता है, अपरेंटली जब मेरे पास कस्टमर आता है, जब अपेरेंटली कस्टमर आता है, तो वो ₹1,000 की ट्रांजेक्शन होती है, तो मैं ₹1,000 की सेल दिखाता हूँ बैंक, मैं अज्यूम करता हूँ बैंक में ₹1,000 है तो सेल्स अकाउंट। बट लास्ट में जब रिकंसिलेशन होता है, HDFC फिर SBI के पास जाएगा कलेक्शन के लिए, तो उसके लिए HDFC क्या है, पूरा मेरे पास मेरा कुछ कमीशन काटता है 1% या 2%। आप बोलोगे क्यों काटता है, क्योंकि अगर वो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं रख लेता, ये फैसिलिटी नहीं रख लेता, तो मैं तो सेल ही नहीं कर पाता, क्योंकि कस्टमर बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मेरी सेल्स भी बढ़ जाती है, और बैंक एक फैसिलिटी भी देता है कि उधार का पैसा मुझे नकद में मिल जाता है और बैंक भी मुझे जल्दी वो दे देता है। तो वो एक क्रेडिट फैसिलिटी जो मेरी प्रोवाइड होती है, उससे एक कमीशन चार्ज होती है। तो मेरे पास एज एन अकाउंटेंट ये ख्याल रखना है, मैं सेल तो पूरी डालूंगा, जितना फिर बैंक ने पैसा काटा उसके लिए मैं एंट्री करूंगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये था सारा इस
इस चैप्टर का, कैच बुक का, आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस अनसॉल्वड है वो सारे करने हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े से एक आध जर्नल्स तुम्हें दिखा दूंगा जो इसके एमसीक्यूज है, उनको मैं थोड़ा टच करूंगा, बाकी आप लोगों के खुद ही करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं देखूंगा कुछ और तो छूटा नहीं, वो मैं कवर कराऊंगा, बाकी तुम लोग खुद ही करोगे, ठीक है। तो ये जो एंट्री थ्रू सेल एंड डेबिट कार्ड, ये तो मैंने तुम्हें सारा बता दिया क्या अकाउंट की एंट्री करनी है, ये तुम करोगे। कैश बुक की समरी ये भी मैंने तुम्हें बता दी। अब कुछ है, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय द कस्टमर एंड पेइंग देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू। अगर डिस्काउंट डेबिट साइड ऑफ कैश बुक है तो ये आपका डिस्काउंट नुकसान है ना आपका, तो किस तरफ डालोगे, जो आपका डिस्काउंट अलाउड होगा उसके डेबिट साइड से डालोगे, क्योंकि इसके डिस्काउंट अलाउड अलग से बनाता है। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक बट ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक। ओके, ये सब्सिडरी बुक है बेसिकली, हमने पढ़ा था सब्सिडरी बुक्स में आता है कि जहां पे पहली एंट्री होती है तो वहां पे कैश बुक में भी पहली एंट्री होती है कैश ट्रांजेक्शन, तो ये सब्सिडरी बुक है बट ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बिकॉज ये इन इटसेल्फ एक लेजर भी है। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक में क्या नहीं आता है, द आंसर इज पेटी कैश कॉलम। अब बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पॉसिबल ओनली व्हेन डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, थ्री कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, सिंपल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो सिंपल में तो है ही नहीं, ट्रिपल में तो होता ही होता है, डबल में भी होता है अगर कैश और बैंक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया, किनसे, सीए के बच्चों को, तो आप यहाँ पे आंसर लिख देना थ्री कॉलम कैश बुक। बट अगर आप बोलोगे डबल कॉलम में कैश और बैंक है तब भी सही बात है, तब भी कंट्रा एंट्रीज पास हो जाएंगे, तो टू भी है, ए भी है और बी भी है, बट सिंस आप सीए के स्टूडेंट हो तो आप पार्ट बी इसका आंसर लिखना है। द कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक में क्या आती है, कैश की पेमेंट्स, कैश की ट्रांजेक्शन, जो रिसीट हो या पेमेंट हो, तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। और बैलेंस इन पेटी कैश बुक, अगर पेटी कैश बुक में आपका पहले 100 रुपया था, 60 खर्चा हो गया, बाद में 40 बचा, तो वो आपके पास क्या है, वो तो सर हमारा एसेट है, जिस तरह से मेरा मेन कैश कैश कैशियर के पास है, इससे पेटी कैशियर के पास जो कैश कैश बचा हुआ है वो भी आपका एसेट ही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ राम है सोल्ड गुड्स फॉर कैश द एंट्री विल बी रिकॉर्डिंग, अगर कैश में सेल कर दिया तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो जाएगी, सर रिकॉर्डिंग तो कैश बुक में हो जाएगी, क्योंकि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स होती है और कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई, बीइंग फाउंडेशन के बच्चे आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है प्लीज करने पड़ेंगे, अगर तुम नहीं करोगे, स्पेशली ये ट्रू फॉल्स वाले मैं छोड़ रहा हूँ, ये तुमको विद लॉजिक्स रखने पड़ेंगे, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, क्योंकि क्योंकि ये बात आप याद रखना, आपके एग्जाम में मैंने आपको दिखा था क्वेश्चन नंबर वन में जो 6 पार्ट्स आते हैं दो दो मार्क्स के, वो इसी बेस पे आते हैं, ट्रू और फॉल्स पे अलॉन्ग विद रीजन, तो ये भी तुम लोगों को करने पड़ेंगे, एंड आई होप आप ये चीजें कर रहे हो। हम मैं अगर अपने एंड से एफर्ट लगाता हूँ, आई इक्वली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम एफर्ट लगाओगे। ऑनेस्टली यू डोंट नो कि कितनी पेन होती है, मैं कोई प्रोफेशनल वो तो नहीं हूँ, कि टीचर तो नहीं हूँ कि मेरे पास कोई स्टूडियो हो और मैं जाके, मेरे पास स्टाफ है और मेरा पास सब कुछ रेडी है सेटअप, मैं जाके रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और फिर आप लोगों तक आ जाती है, मुझे खुद से रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, और ऑनेस्टली इतनी प्रॉब्लम होती है कि मेरा लैपटॉप कभी फ्रीज होता है, फिर मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है या वीडियोज को कंप्रेस करना, वो सब पेन्स अगर मैं लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाएगी, तो आई इक्वली एक्सपेक्ट कि तुम लोग भी वो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। एंड आई होप तुम कर रहे होगे, नहीं करोगे तो तुम लोगों का ही नुकसान है, बोलोगे बाद में करोगे तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें कोशिश करना है कि अगले दिन तुमने क्या करना है, उस वो जो मैं होमवर्क देता हूँ वो तुम्हें करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे, अभी तक अगर हम रिकॉल करेंगे हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने जर्नल एंट्री करना सीख लिया, फिर हमने बोला कि जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, और यहाँ पे हमने दोनों में टैकल ये कर दिया कि अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो उनको हम जर्नली बनाते हैं, डायरेक्टली कैश अकाउंट बनाते हैं, वो इन इटसेल्फ जर्नल का काम भी देता है और लेजर का काम भी देता है, और बाकी अकाउंट्स फिर वहां से ही बनाते हैं, और फिर ये सारे अकाउंट बना दिए तो सबका बैलेंस आ गया, और लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, इनकी समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो ये हमने एक चीज कर दी ट्रायल बैलेंस तक, तो हमें आ गया। अब हम देखेंगे कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना देंगे तो हमें ट्रायल बैलेंस में क्या होगा कि वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो इट मींस हमने कुछ एरर्स कर दिए है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा उसमें हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और उससे हमारा जो मेन अकाउंटिंग का प्रोसेस है, बुक कीपिंग वाला प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम मेन अकाउंटिंग पे आ जाएंगे जहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।